भारत पाक विभाजन के बाद कई ऐसे परिवार आपको मिल जाएंगे जिनके पैतृक गांव या तो पाकिस्तान में हैं, वो लोग भारत में रहते हैं। ऐसे कुछ नामों में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। लोग इन नामों से बखूबी वाकिफ हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के दो दिग्गज कलाकार राज कपूर और दिलीप कुमार की। हालांकि राज कपूर अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, इन दोनों के पैतृक घर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। अभी तक उनके घरों को खरीदने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। अब खबर आ रही है कि सरकार ने दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर स्थित पैतृक घरों को खरीदने की बात कर ली है। पता चला है कि ये घर अब बिकेंगे और इनमें संग्रहालय बनाया जाएगा। हाल ही में खबर आई है कि पेशावर के जिला आयुक्त कैप्टन, जो कि अब सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने वर्तमान मालिकों को खारिज कर दिया है। इन कैप्टन का नाम खालिद महमूद है। उन दोनों घरों का पुरातत्व विभाग को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद ही काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं और पाकिस्तान में एक नया संग्रहालय बनाया जाएगा। गौरतलब है कि दिलीप कुमार की तरफ से अभी इस बात को लेकर किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है। बता दें, दिलीप कुमार की उम्र काफी है और इस समय वो बीमार भी रहते हैं। उनके फैंस लगातार उनकी सलामती की दुआ करते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि दिलीप कुमार की तबीयत खराब हो गई थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अब वो पूरी तरह ठीक हैं और सोशल मीडिया पर उनको लेकर अपडेट उनकी पत्नी शायरा बानो देती रहती हैं। बॉलीवुड की और वैसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। Real positive.